Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with the next video or next part of the same video, that is climatology. Climatology is कि मैं हम बेसिक्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें. अब मुझे जो चीज़ बतानी थी टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें. टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हीट. एक्चुअली द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, लोगों के मन में एक मिथ होता है कि टेम्परेचर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गर्म होना. हीट मीन्स टेम्परेचर को लोग इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू हीट, बट हीट इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता. टेम्परेचर का मतलब होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन एनी बॉडी. किसी भी बॉडी में जो डिग्री होती है उसके गर्म होने की या ठंडी होने की, वो टेम्परेचर के द्वारा हम दर्शाते हैं. फाइन, टेम्परेचर समझ गए. अब हमको पता है अर्थ इज अ मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर का बढ़ना, एटमॉस्फेरिक हीट बेसिकली, उसमें मेजर सोर्स क्या है, हमारा अर्थ होता है. ये हमने बोला था, मतलब ये हमने कहा. बट वी ऑल नो द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ वॉट, फॉर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए जो मेजर सोर्स होता है वो क्या है, सन है. लेकिन सिर्फ सन नहीं है, इट ऑल्सो रिसीव्स द वेव्स और लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ ऑल्सो. और जब हम अभी देखेंगे, मैं आपको हीट बजट में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे बाय नंबर बाय परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर को ज़्यादा इम्पैक्ट और ज़्यादा गर्म कौन करता है, टेम्परेचर कौन बढ़ाता है, वो हमारा अर्थ से हुई रेडिएशंस के कारण होता है, ना कि सन से आई रेडिएशंस के कारण होता है. दैट वी गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट टॉपिक, जो मैं अभी डिस्कस भी करूंगा, उसका नाम है हीट बजट. हीट बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेन्स एग्जाम ऑल्सो. मेन्स एग्जाम में 12.5 नंबर का, 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है. इस एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा हीट बजट का आंसर कैसे लिखना है. उसके पहले मैं आपको समझाऊंगा हीट बजट क्या है. बट बिफोर आई स्टार्ट विद दैट टॉपिक, आई विल गोइंग टू अंडरस्टैंड टेम्परेचर. द एनर्जी विच कम्स फ्रॉम सन इज रिसीव्ड बाय बोथ लैंड एंड सी and is stored as heat energy temporarily. वो क्या होता है, heat energy के form में हमारे पास रुका रहता है. They are radiated back to atmosphere in the form of long wave radiations. हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन से मेरा मतलब है एक दो क्लासेस के पहले, मैंने जब basics of climatology part 1 part 2 उसमें बताया था कि जो sun से radiations आती है, these are short wave radiations, और जो अर्थ से, जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं, अर्थ से सन की तरफ जाती हैं या एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशंस. क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम पहले के दो वीडियो में देख चुके हैं. आपको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दे दिया, यू कैन सी फ्रॉम देयर. गेटिंग सेकंड, दीज लॉन्ग वेव्स मे बी एब्जॉर्ब बाय द वॉटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे आर रेडिएटेड बैक टू अर्थ सर्फेस काउंटर रेडिएशन. क्या बोल रहा है, दीज लॉन्ग वेव रेडिएशन, हमने पढ़ा था ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती है, ये वापस से कहां पर जाती है, वापस से जाती है ऊपर गई, ऊपर वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे आप कहते हो, वो ग्रीन हाउस गैसेस इनको एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं अर्थ के ही सरफेसेस पे और लॉन्ग वेव रेडिएशंस के द्वारा. तो वो क्या करती हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को कंटिन्यूअसली गर्म कर रही है. तो हमने लास्ट के प्रीवियसली दो वीडियो में देख लिया था, इसी को हमने बोला था ग्रीन हाउस इफेक्ट. गेटिंग, इसके अलावा जो मैं ये बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ का हीट जो है कुछ समय के लिए स्टोर होती है, क्या मतलब है, आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, आपको अगर कोई बोलता है कि दिन में सबसे ज्यादा गर्म कब रहता है, मतलब हमारे यहाँ जो डे टाइम में सबसे ज्यादा गर्म कब होता है, हीट कब सबसे ज्यादा होती है, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि भैया क्या है वो, 12 बजे, क्योंकि 12 बजे जो रेडिएशंस होती है 90 डिग्री आती हैं अर्थ पे, सीधी सीधी आती हैं. लेकिन नहीं, 12 बजे टेम्परेचर सबसे ज्यादा नहीं होता, 12 बजे हीट बहुत ज्यादा तेजी से आती है, बहुत ज्यादा तेजी से रेडिएशन आती हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट धीरे धीरे हमारी अर्थ और वाटर बॉडीज क्या होती हैं, गर्म होती हैं. और आप महसूस करोगे 2 बजे से 4 बजे का जो पीरियड होता है, 2 से 4 बजे के जो पीरियड होता है, इसमें सबसे ज्यादा गर्म होती है आपकी अर्थ, मतलब आपका जो सर्फेस होता है वो सबसे ज्यादा हॉटनेस कब फील करता है, टेम्परेचर कब होता है, 2 से 4 बजे. फिर आप देखेंगे ये धीरे धीरे करके क्या होंगी, ठंडा होना स्टार्ट होगा, रेडिएशन स्टार्ट होता है. मींस रेडिएशन का मेरा मतलब क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, रिफ्लेक्शन, अर्थ से रिफ्लेक्शन चालू स्टार्ट होता है और अर्थ से रेडिएशन वापस से एटमॉस्फेयर की तरफ जाने लगती है. कब से कब तक, 4 से 5 बजे तक. तो आप देखते हो कि सबसे ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर जब डे टाइम में हम बात करते हैं तो वो कब होता है, 5 से 6 बजे आप फील करते हो, बिफोर द सनसेट आपको रेडिएशन रिटर्न बैक होने लगती है. उस समय हम मानते हैं कि हमारा जो अर्थ का डे टाइम का टेम्परेचर है वो कम होने लगा है. इसको क्या बोलते हैं, क्या चीजें हैं, ये आगे हम पढ़ते हैं. गेटिंग, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं व्हाट इज हीट बजट. हीट बजट क्या होता है, उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि अर्थ है ये,
This is Earth. Surface. This is your atmosphere, obviously. This is Sun. Sun क्या करता है? Sun used to have short wave radiations. Let's say ये जो short wave radiation है, Sun ने जो energy दी है, ये 100% energy है, जो कहाँ आ रही है? Earth की तरफ. But we all know कुछ energy जो होती है, वो directly reflect back हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं albedo. और albedo कितना था? We all know 35% ऑफ द टोटल अर्थ में जितनी एनर्जी रिसीव होती है उसका 35% रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है डायरेक्टली. इसी को हम बोलते हैं एल्बेडो. गेटिंग? बचा कितना? 65% क्या होती है? अर्थ की तरफ आती है. बट आउट ऑफ विच 14% जो होता है वो आपका कहां पे होता है? एटमोसफियर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बची हुई कितनी? बची हुई 51% जो होती है वो कहां पे आती है? अर्थ में आती है. मतलब 51% रेडिएशंस क्या होती है? सन से डायरेक्टली अर्थ में भी आती है. इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं. क्या क्या वो दो पार्ट होते हैं? सेवनटीन प्लस थर्टी फोर इज फिफ्टी वन. 34% जो होती है वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाती है. डायरेक्टली कम्स टू द अर्थ. मतलब अर्थ में ये डायरेक्टली आ रही है विदाउट एनी इंटरफेरेंस. जो 14% है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिससे रिफ्लेक्टेड होके, रिफ्रेक्टेड होके 70% लाइट क्या होती है? पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनसे टकरा के और वापस आती है कहां पे? अर्थ की तरफ पे आती है. तो कितनी आती है? 17%. मतलब ऑल ओवर टोटल की बात करूं तो कितना है? 51% डायरेक्टली कम्स टू अर्थ. अर्थ सरफेस पे कितने परसेंट आती है सन की रेडिएशन? 51%. 34% डायरेक्ट आती है. 17% कितने होते हैं? जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनसे रिफ्लेक्टेड बैक होती है. फाइन. अब इसने क्या किया? हमारे अर्थ को गर्म किया, अर्थ को एनर्जी दी. अब जितनी एनर्जी आई है पूरी की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होती है. तो 51% आई थी. अब 51% क्या होगी? लॉन्ग वेव रेडिएशंस के थ्रू वापस जाएगी. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब ये जो 51% ऊपर गया है, इसका 34% जो होता है वो कहां पर जाता है? एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं क्लाउड, वाटर वेपर्स, इन सब लोगों ने क्या कर लिया? इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया. बचा हुआ 17% जो है वो डायरेक्टली इनटू द स्पेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. फाइन. जो 34% है कहां गया? हमारे एटमॉस्फेयर में. हमने देखा था सन से आया था तो 14% हमारे एटमॉस्फेयर में आया था, लेकिन जब अर्थ से वापस गया तो 34% कहां गया? एटमॉस्फेयर में गया. आउट ऑफ विच 34% में से एटमॉस्फेयर क्या करेगा? जितनी लाइट लेनी होगी लेगा, 34 का 34 वो क्या करेगा? बाकी का एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा. ये ऐसा होता है इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस अगर नहीं है तो पूरी पूरी जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वापस बाहर भेज देंगे. लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में वो सारी चीजें भी होती हैं जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, लॉन्ग वेव को एक्सट्रैक्ट करती हैं. भाई मैंने बोला था ना, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं दे यूज्ड टू एब्जॉर्ब. कौन सी गैसेस? वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशंस को डायरेक्टली पास ऑन कर देती हैं. फाइन. तो क्या हुआ? 34% एटमॉस्फेयर में आ गई और 17% डायरेक्टली गॉन इनटू द स्पेस. इससे क्या पता चल रहा है? हीट वेव से मैंने आपको बताया था हमारे एटमॉस्फेयर को ज्यादा गर्म या टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाने का मेन सोर्स क्या है? अर्थ इज अ मेजर सोर्स. बिकॉज 34% क्या है? अर्थ से जा रहा है एंड ओनली 14% कम्स फ्रॉम दी सन. मतलब टोटल एटमॉस्फेयर में कितनी हीट आ रही है? 34 + 14 दैट इज 48%. हाउ ह्यूज इट इज. इसी को कम करने के लिए बात कर रहे हैं हमारे यहाँ के जो जियो इंजीनियर्स होते हैं, ये सारे लोग इसी पर चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम इसका परसेंटेज कम करें. अब हम देखते हैं. एक और चीज़ आपको बतानी थी. ये जो क्वेश्चन है हीट बजट, इट इज़ यूज टू आस्क इन द एग्जाम्स. मीन्स एग्जाम में ये आपको पूछ सकता है और जिसकी वैल्यू होती है 12.5 नंबर. 12.5 नंबर के क्वेश्चन में हीट बजट आपसे पूछ सकता है. कैसे इसका आंसर लिखना है? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. सो What we have to discuss? Heat budget. Heat budget अगर आपके exam में आता है तो it is expected by the CBSE, by the UPSC that ये question 12.5 marks का आपके लिए आ सकता है. अब आएगा तो आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, that I'll go into explain here. We all know sun is the major source of energy for earth or for the entire solar system, and whatever energy which is received by earth is reflected, refracted, scattered and all.
टू द एटमोस्फेयर. फाइन, तो यही सारी चीजें हैं पढ़नी है. सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ एंड ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम एंड वट एवर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द सन विल बी रिफ्लेक्टेड रिफ्रेक्टेड डिस्पर्स एंड स्कैटर्ड एंड ऑल. फाइन, इसमें सबसे पहला पॉइंट है टोटल एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन. मैंने अभी बताया था टोटल एनर्जी जो सन से आती है वो कितनी है 100%, आउट ऑफ विच एल्बेडो इफेक्ट जो अर्थ शो करता है, अर्थ के कारण जो एल्बेडो होता है वो कितनी एनर्जी रिलीज हो गई डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो गई वो कितनी है 35%. मींस टोटल एनर्जी जो कि अर्थ या एटमोस्फेयर में रिसीव होगी वो कितनी है 65%, आउट ऑफ विच एनर्जी रिसीव बाय एटमोस्फेयर कितना है 14%. मैंने बोला था डायरेक्टली 14% उस टोटल 65 का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा. एटमॉस्फेयर वाटर वेपर है, क्लाउड्स एंड मेनी मोर थिंग्स. एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर. डायरेक्टली हमने देखा था डायरेक्टली कितना आ रहा था 34% डायरेक्टली आ रहा था, 17% रिफ्रेक्टेड बैक आ रहा था फ्रॉम दी पार्टिकल्स. तो हमने देखा 51% डायरेक्टली आ गया हमारे पास अर्थ सर्फेस पर टोटल एनर्जी. फिर हम देखते हैं एक्चुअल हीट बजट ऑफ अर्थ. अर्थ का हीट बजट क्या होता है? अर्थ का हीट बजट मतलब 15% जो कि अर्थ में आया. मैंने बताया जो कि जो भी आता है वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो आया 51% एनर्जी रिलीज फ्रॉम अर्थ सर्फेस विल ऑल्सो बी 51%. आउट ऑफ दिस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर. अब 51 जो बाहर गया उसमें से कितना एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर ने, 34%. फाइन, लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा. देन आउट ऑफ दिस एनर्जी रिलीज बाय अर्थ डायरेक्टली टू द स्पेस. स्पेस में कितनी चली जाती है 17% बाहर चली जाएगी, 34% रुक जाएगी मतलब हमारे एटमॉस्फेयर उसको ले लेगा. फाइन, ये था कितना एनर्जी बजट, दैट इज हीट बजट ऑफ अर्थ. अब हम देखते हैं हीट बजट ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का हीट बजट क्या होगा? जो ये 34% गया और यहां पर हम देखा 14% गया, ये जो 14% गया और ये 34% गया, एक अर्थ से आया और एक सन से आया, वही चीज देख लेते हैं. एनर्जी रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम सन 14%, वी हैव ऑलरेडी लर्न. एनर्जी रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम अर्थ इज 34%, अभी देखा हमने. टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर विल बी हाउ मच, 48%. टोटल 48 आया है तो 48% वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, कुछ वो करेगा अर्थ के सर्फेस पे ही, बाकी वो कर देगा कहां पे, स्पेस में. मतलब टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय एटमॉस्फेयर विल आल्सो बी 48%. मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, मैंने बताया था कि आपके एटमॉस्फेयर के टेंपरेचर को इफेक्ट करने के लिए, टेंपरेचर को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो रेडिएशंस होती हैं दैट विल बी अर्थ रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. यहां पे वो चीज देखें प्रूव भी हो गया कि अर्थ जो अपनी रेडिएशन भेजता है, एनर्जी जो रिसीव करता है एटमॉस्फेयर फ्रॉम अर्थ विल बी 34%. मतलब ज्यादा गर्म कौन करता है? अर्थ करता है. आपने देखा सन कितना देता है? ओनली 14%. सो दिस इज द हीट बजट. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज हीट बजट, देन यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग व्हिच इज गिवन हियर. इसके अलावा एक डायग्राम जो मैंने स्टार्टिंग बनाया था मैं फिर से आपको बता देता हूं वो डायग्राम क्या है. फाइन, सो व्हाट वी हैव टू रिकैप, जो हमने पढ़ा हीट बजट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं. दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज द एटमॉस्फेयर. फाइन, दिस इज योर सन. सन से शॉर्ट वेव रेडिएशंस आई, ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस कैसी होंगी? दिस विल बी 100% शॉर्ट वेव रेडिएशंस. फाइन, आउट ऑफ विच 35% इज गॉन आउट रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस. 35% जो वापस चली जाएंगी, जैसे आपने कहा था एल्बेडो मैंने बताया, यहां से 14% विल बी एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर ले. टोटल 50% विल कम डायरेक्टली टू द अर्थ और इनडायरेक्टली टू द अर्थ. 34% इसका कहां से आया? डायरेक्टली टू द अर्थ. एंड बचा हुआ 17% कैसे आया? रिफ्रेक्टेड बाय सम पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ. फाइन, आउट ऑफ विच पूरा का पूरा 55% रिफ्लेक्टेड बैक होगा, जिसमें से 34% will be absorbed by the atmosphere and bachi hui 17% will be reflected back to the space. Fine, ye jo 34% hai, 34% by the earth and 14% by the sun, total ho gaya 48% is the total energy received by what? Received by the atmosphere, by the sun and the atmosphere. This is what we have studied in heat budget. यही था heat budget जो आपको पढ़ना है, जो बहुत important है. Prelims point of और mains point of view दोनों points important है. Fine. Now हम देख लेते हैं कुछ points. Water vapor and carbon dioxide absorbs long waves and hence greenhouse effect is done. ग्रीनहाउस इफेक्ट क्यों होता है? मैंने आपको बताया था वाटर वेपर और CO2 जो प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वेव रेडिएशंस व्हिच आर एमिटेड बाय द अर्थ.
अर्थ सरफेस से जो एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएशन रिलीज होती है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस. Kind. Second, अगर देखते हैं, water vapor is concentrated in the lower atmosphere and absorbs both the incoming solar radiations and outgoing terrestrial radiations. हमने देखा था water vapor कहाँ होते हैं? Earth surface के नजदीक में होते हैं और ये दोनों radiations absorb करते हैं, sun से आई हुई short wave radiations as well as earth से गई हुई terrestrial radiation और long wave radiation, दोनों को absorb करेंगे. So as we move above the incoming and the outgoing radiation increases. This is the reason that high mountains are called the radiation windows. ये मैंने पढ़ा था, high mountain ranges को क्या कहा जाता है? Radiation windows. क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊपर होते हैं, वहाँ ऊपर water vapor कम present होता है, ऊपर की तरफ ना ही water vapor होंगे, ना ही कोई gases होंगी, जिसके कारण जितना भी energy आता है, total reflect back हो जाता है, वो हमारे atmosphere तक आता ही नहीं है. That's why I'm saying these are called radiation windows. It is important as far as prelims is concerned. Prelims की जब हम बात करते हैं, these two points are important for that thing. Getting? अब हम देखते हैं heat mean temperature क्या होता है. Now we have to see mean temperature. Now what is the mean temperature? Mean temperature क्या होता है? एक दिन में daytime, within a daytime, the difference between the maximum and the minimum temperature. Maximum और minimum temperature के बीच का difference होता है, उसे ही हम mean temperature कहते हैं. In our language, geographical language, we used to call it as a diurnal range of temperature. Means क्या है? Within the day, the difference between maximum and minimum temperature is known as diurnal range of temperature. The earth surface receives maximum energy at 12 noon. हमें सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया था. But the maximum temperature is between 2 to 4 pm. मैंने starting में ही बताया था कि सबसे ज़्यादा energy जो receive होती है earth में वो 12 बजे होती है. लेकिन सबसे ज़्यादा heat या सबसे ज़्यादा temperature feel होता है हमारे earth में कब? 2 से 4 बजे के बीच. The energy received by the earth from the solar radiation exceeds the energy lost by outgoing long wave radiations from the earth's surface from 6 am to 4 to 5 pm. सुबह 6 बजे से दोपहर में 2 से 4 बजे के बीच में इतना समय में क्या होता है, जो एनर्जी आती है सन से हमारी तरफ, दैट इज शॉर्ट वेव रेडिएशंस, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो हमारे अर्थ सरफेस से बाहर जा रही है. मतलब ये हमारे यहाँ फैक्टर्स हैं जो कंटिन्यूसली क्या करें, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा. फाइन, लेकिन द एनर्जी लॉस थ्रू लॉन्ग वेव रेडिएशंस exceed the energy received after 4 pm. 4 pm के बाद जो energy receives होती है उससे कहीं ज्यादा energy क्या होती है, long wave radiations के form में बाहर जाती है. Getting energy received after 4 pm and the lowest is received at 4 to 5 pm. इसलिए हमारे यहाँ जो temperature सबसे कम महसूस होता है daytime में वो 4 से 5 बजे के बीच में होता है. समझ गए? Maximum temperature कब feel होता है? 2 से 4 के बीच. और minimum temperature कब feel होता है? 4 से 5 के बीच. हमेशा याद रखना ये line. These are important for your prelims point of view. Again I'm saying, ये सारे points आपके prelims में आते हैं directly और हम answer नहीं दे पाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें ये basic चीज़ें नहीं पता होती है. You must read these things before going into the exam. Revise कर लें आप हमेशा. Now, the difference between the maximum and the minimum temperature of a day is called diurnal range of temperature. अभी मैंने बताया, जो day time में जो maximum और minimum temperature का जो difference होता है, उसे कहते हैं diurnal range of temperature. और अगर हम इसी को पूरे साल का अगर निकाल लेंगे, that is within a year, it is known as annual range of temperature. Getting what I'm saying? अब मैं नया topic start करूँगा, factors affecting the distributions of temperature. Fine. So, what we have to study? Factors controlling the distribution of temperature. Means, what are the factors which are controlling the distribution of temperature? सबसे पहले आता है latitude. आप सबको पता है latitude का मतलब क्या है? Insolation decreases with the increase in latitude. Insolation decreases with increase in latitude. Maximum temperature is at 20 degree north and not at equator. What is this? भाई, this is earth. बहुत बड़ा बना दिया. एंड दिस इज सन. फाइन, दूर है इसलिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ. सन की जो मैक्सिमम रेसेस होती हैं वो आप बोलोगे हॉटेस्ट इक्वेटर पे होता है, 0 degree. फाइन, मिनिमम जो होगा वो कहाँ पर होगा? पोलर रीजन पे. मतलब जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से इक्वेटर से नीचे की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होता है. टेम्परेचर ऊपर और नीचे पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पर क्या होता है? कम होता है. इक्वेटर मैक्सिमम होता है, हमने सबने पढ़ा है. लेकिन यहाँ पर मैं एक लाइन बोल रहा हूँ दैट मैक्सिमम टेम्परेचर इज एट 20 नॉर्थ, नॉट एट इक्वेटर. क्यों, कैसे, क्या, कौन बताएगा? आप लोग सोचें. गेटिंग,
सुने 20 डिग्री नॉर्थ में ही सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसलिए फील होता है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर मींस लो प्रेशर, लो प्रेशर मींस जब ऊपर देखोगे तो ऊपर क्या होंगे, क्लाउड्स होंगे क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मॉइस्चर होगा, सबसे ज्यादा क्लाउड्स वहां पे पाए जाएंगे। तो क्लाउड्स क्या करते हैं, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक करते हैं किसको, डायरेक्ट जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको, क्यों, उसी को बोलते हैं एल्बेडो। वैसी ही चीजें होती है, व्हाइट कलर है, बादल से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं 20 डिग्री नॉर्थ की, तो यहां पर एक कारण क्या है, एक तो रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ द सोलर रेडिएशन टेक प्लेस एट द इक्वेटर क्योंकि वहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, इन रीजन में हम देखते हैं पानी बहुत है, ओशियंस बहुत है, पानी के कारण क्या होगा, पानी को गर्म करने में और गर्म करने के बाद पानी का एवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है वॉटर का, और एवोपरेशन में सारी की सारी एनर्जी आई है वो इवेपोरेशन में चली जाती है, ना कि हीट या टेम्परेचर को बढ़ाने में। इसलिए आप देखते हो जब हम बात करते हैं इक्वेटर में, तो इक्वेटर के नीचे जब आओगे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा वहां पे क्या मिलेंगे, ओशियंस मिलेंगे, वाटर बॉडीज मिलेंगे। लेकिन जब हम नॉर्थ साइड पे जाते हैं तो 20 डिग्री नॉर्थ में जब आप एटलस उठाओगे और देखोगे तो बहुत ज्यादा लैंड सरफेस मिलते हैं। लैंड सरफेस क्या है, जल्दी गर्म होगा और पेनिट्रेट जल्दी कर जाएगा। जैसे ही जल्दी गर्म होगा तो आप देखोगे उसके आसपास क्या मिलेगा, टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 20 डिग्री नॉर्थ में क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है नॉर्थ एट इक्वेटर। लिखा हुआ है मेजर पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स, क्लाउड्स जो कि इक्वेटर में फॉर्म होते हैं उससे मैक्सिमम जो पोर्शन होगा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। एंड साइजेबल अमाउंट इज लॉस्ट इन एवोपरेशन, क्यों एवोपरेशन, इसलिए क्योंकि वहां पे वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। 20 डिग्री नॉर्थ में लैंड सर्फेस बहुत ज्यादा है इसलिए जल्दी गर्म होगा। सेकेंड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड में हमने पढ़ा ही था नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता था, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.5% पर किलोमीटर, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसी को हमने क्या बोला था, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता था, विद इंक्रीमेंट इन द हाइट, हाइट जैसे ही आप बढ़ाओगे, जितना किलोमीटर आप ऊपर बढ़ोगे उतना ही डिक्रीमेंट होगा किसमें, इन द टेम्परेचर, विद विच अमाउंट, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर इंक्रीमेंट इन द किलोमीटर, जितना ही ऊपर जाओगे उतना ज्यादा टेम्परेचर नीचे गिरेगा। सेकंड, मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें आप पॉइंट देख लेते हैं, मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक हीट इज अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड टू एटमॉस्फेयर, क्या बोल रहा है, मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक हीट, एटमॉस्फेरिक हीट का मेजर सोर्स क्या है, इज अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस है जहां से क्या हो रहा है, बहुत सारी हीट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे मैंने कहा था लॉन्ग वेव रेडिएशन, फाइन। सेकेंड, द लेयर ऑफ एयर इज डेंसर एट द अर्थ सर्फेस एंड बिकम्स लाइटर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो ऊपर देखोगे कि डेंसिटी ऑफ द एयर पार्टिकल जो है वो कम हो गए हैं, फाइन। द लोअर लेयर कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, लोअर लेयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं जो कंटिन्यूअसली एटमोस्फेयर को गर्म करते हैं। गेटिंग, नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, कोस्टल एरिया से डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो आपने देखा होगा चेन्नई में आप जाएंगे थ्रू आउट द ईयर आपको सेम टेम्परेचर फील होता है, सेम टेम्परेचर फील होगा आपको थ्रू आउट द ईयर, मतलब आपको वहाँ ह्यूमिडिटी हमेशा लगेगी। लेकिन आप दिल्ली में जाओगे, वेन यू गो टू दिल्ली, तो आपको एक्सट्रीम हॉट मिलेगा ड्यूरिंग समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड मिलेगा ड्यूरिंग विंटर। वाई इज इट सो, क्या इंपैक्ट होता है सी का, क्या इंपैक्ट होता है लैंड का, ये हम देखेंगे। क्यों थार डेजर्ट, क्यों सहारा डेजर्ट सी से इतने ज्यादा दूर क्यों है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले पोर्शन में, लेकिन अभी इससे भी उसका रिलेशन है। एंड जो चीज ये मैं आपको बताऊंगा, नेचर एंड लैंड, नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, दिस इज इंपॉर्टेंट एज फार एज पीएससी यूपीएससी इज कंसर्न फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपको चार पांच पॉइंट दे दिए जाएंगे, चार पॉइंट दे दिए जाएंगे आपको, फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, वन टू इज करेक्ट, टू थ्री इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, फाइन। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट क्या है, फाइन। मरीन एनवायरमेंट मॉडरेट्स टेम्परेचर बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस। अभी लैंड और सी ब्रीजेस क्या है, इसको पढ़ने के लिए पहले जरूरी है हम नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर पढ़ें, तो हम पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। पहला, लैंड बिकम्स वार्मर क्विकली देन वाटर। हमें सबको पता है कि वाटर के कंपेरिजन में लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। अब क्यों होता है, तो दीज आर सेवरल पॉइंट जो आपको बताते हैं दैट वट आर द नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। पहले देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, द लैंड द सन्स रेज पेनिट्रेट टू अडेप्ट to a depth of 3 feet, only 3 feet inland, because it is opaque. हमको पता है बहुत कड़ा है, इसलिए आप देखते हो कि जो land, जो sun की rays आती हैं किस तरफ, land की तरफ पे, ये suppose water body है,
And this is your length. तो यहाँ पर जो penetration होता है वो only 3 feet तक होता है, लेकिन जब हम पानी की बात करते हैं तो वो several meter तक penetrate कर जाती है sunrays, जिसके कारण ये जल्दी गर्म होता है और ये time लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना, यहाँ पे होता है condensation. फाइन, यहां पर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, ऊपर का गर्म नीचे का ठंडा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, ये सारी प्रोसेस यहां पे जनरेट हो जाएगी, एज वेल एज कंडक्शन भी होगा. फाइन, दोनों चीजें होंगी. तो हमने देखा क्या, बिकॉज इट इज ओपेक, बट इन वॉटर दे पेनिट्रेट टू द सेवरल मीटर्स. यहां पर लेकिन वो क्या करता है, सेवरल मीटर तक अंदर तक जाता है, यहां पर कम जाता है, पहली चीज. दूसरा अगर पॉइंट देखें, वॉटर मूव्स वेन हीटेड हॉरिजेंटली टू अ कूलर एरियाज. क्या बोल रहे हैं, वॉटर जब भी गर्म किया जाता है, पानी को जब भी गर्म किया जाता है, तो ये हमेशा ये इक्वेटर है, ये पोलर रीजन है. पानी जो इक्वेटर रीजन पे है जल्दी गर्म होगा और ये मूव करने लगेगा ऊपर और नीचे की तरफ पे, मीन्स वो ठंडे एरिया में जाना स्टार्ट करने लगता है. गेटिंग. थर्ड, एनर्जी इज लॉस्ट इन एवोपरेशन इन वॉटर बॉडीज. वॉटर बॉडीज में जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो मैंने अभी बताया जब इक्वेटर वाला एग्जाम्पल दिया था, कि जो भी वाटर में एनर्जी, जो भी वाटर में जब भी एनर्जी आती है तो सबसे पहले इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग वाटर इनटू एवोपरेशन, वाटर इनटू वाटर वेपर, और एवोपरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. एवोपरेशन मतलब ऊपर जाने लगेगा. तो ये प्रोसेस कहां पर होती है, जब हम पढ़ते हैं यही चीज. सेकेंड, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर बाय 1 degree इज मच ग्रेटर देन द लैंड. मतलब हीट जो रिक्वायर होती है पानी को एक टेम्परेचर 1 degree Celsius बढ़ाने में, वो कहीं ज्यादा टाइम लगता है जब हमें लैंड को गर्म करना हो. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नो, सॉरी, पानी को गर्म करने में आपको एक डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है टेम्परेचर आपको पानी में, तो जो हीट आप देते हो इससे कहीं ज्यादा हीट आपको, इससे कहीं कम टेम्परेचर, कम हीट आपको देनी होती है लैंड में. व्हाट आई एम सेइंग, लैंड को गर्म होने में कम समय लगता है, लेकिन पानी को गर्म होने में बहुत ज्यादा समय लगता है. दैट व्हाट इट इज सेइंग, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 degree Celsius इज मच ग्रेटर देन लैंड. लैंड से कहीं ज्यादा हीट लगती है. ओशियनिक एरियाज आर क्लाउडेड. भाई हमको पता है ओशियंस के ऊपर क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, और क्लाउड्स होंगे तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एल्बेडो मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो आएगी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब वो पानी तक नहीं पहुंचेगी. पानी तक नहीं पहुंचेगी तो पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, वी ऑल नो. गेटिंग. नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस. नेक्स्ट, नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप्स. हमको पता है वैली सिचुएटेड ऑन द नदर्न प्लेन्स और नदर्न स्लोप्स ऑफ एल्पाइन माउंटेन्स हैव सेटलमेंट. क्यों वहां पर सेटलमेंट्स है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ऐसा है जहां पर हम रह सकते हैं. गेटिंग. नेक्स्ट आता है प्रिवेलिंग विंड. विंड अगर बहुत ज्यादा चल रही है तो विंड क्या करती है, अपने साथ साथ हीट को जो आ रही है उसको अपने साथ साथ ले जाएगी, जिससे इंपैक्ट होता है वहां के टेम्परेचर, वहां के वेदर पे. नेक्स्ट आता है ओशियन करंट्स. ओशियन करंट्स क्या होती है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, जो अभी हम पढ़ेंगे. फाइन, दीज आर द थिंग्स जो हम बता रहे हैं, दीज आर द नेचर्स ऑफ लैंड एंड वाटर. ये आप हमेशा पढ़ लें, एक बार पढ़ के जरूर रखें, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर PSC. फॉर prelims इज कंसर्न, prelims पे ये क्वेश्चन आते हैं और हम इन क्वेश्चन को इजी गलत कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम कभी पढ़ते ही नहीं है. नेक्स्ट, वॉट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. उसके पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट. मरीन एनवायरमेंट मॉडरेट्स टेम्परेचर बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज. सेकेंड, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस इन मरीन क्लाइमेट वाइल एक्सट्रीमली हाई इन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. दैट व्हाट आई एम सेइंग. क्या होता है, डेली टेम्परेचर अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर आप देखोगे, मतलब जो बढ़ना और घटना जो होता है वो कॉन्टिनेंटल एरियाज में देखते हो, कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है, लेकिन कोस्टल एरियाज में आप फील करोगे कि आपको थ्रू आउट द ईयर सेम टेम्परेचर फील होता है. फाइन, ना ही बहुत ज्यादा गर्म होगा, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होगा. आप जैसे बहुत ठंड के महीने में मुंबई जैसे एरिया में जाओगे, मुंबई में जाओगे, हैदराबाद में जाओगे, चेन्नई में जाओगे, तो आपको जरूरत नहीं होगी जैकेट पहनने की, जैसे हम MP में और कहीं पे ऐसे पहन के देखते हैं तो फील होता है. फाइन, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, सी एंड लैंड ब्रीज. सी लैंड ब्रीज क्या होती है, अब हम देख लेते हैं. ड्यूरिंग डे टाइम हमें पता है टेम्परेचर ऑफ द लैंड बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा. वहीं पर जब हम बात करते हैं सी पे, तो सी में कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है. हाई प्रेशर होने के कारण एयर क्या होगी, यहां से नीचे की तरफ मूव करनी स्टार्ट होगी, और यहां से जहां पे लो प्रेशर है वहां पे क्या होगा, एयर का ऊपर मूवमेंट होगा, और वो कैसी एयर होगी, गर्म हवाएं होंगी, और कन्वेक्शन स्टार्ट होगा, और सी से क्या होगी, लो प्रेशर है, जिसके कारण कूल सी ब्रीजेस लैंड की तरफ आती है. दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. लैंड ब्रीज की जब हम बात करते हैं तो कब होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम. नाइट टाइम में क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखो, नाइट टाइम में आपका लैंड सरफेस जो होगा वो हाई प्रेशर होगा, एंड जो सी सरफेस होगा वो लो प्रेशर होगा. क्यों, क्योंकि सी बहुत गर्म होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण यहां पे भी कन्वेक्शन होगा. कोल्ड लैंड ब्रीज कहां पे जाएंगी,
लैंड से सी की तरफ जाएंगी और हॉट वार्म एयर कहां जाएंगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और वापस से टर्न होकर कहां पर आएगी, लैंड की तरफ आएगी. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज एंड दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. और सी और लैंड ब्रीज के कारण आप देखते हो समुद्रों में यह प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती है समुद्र के कोस्टल एरियाज में, जिसके कारण आपको टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज हमेशा सेम मिलता है थ्रू आउट द ईयर. लेकिन हम जब बात करते हैं दिल्ली में, हम जब बात करते हैं थार डेजर्ट में, हम जब बात करते हैं सहारा डेजर्ट में, डेजर्ट का फॉर्मेशन होना, दिस इज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग इज नॉट हैपेंड देयर वेरी फ्रीक्वेंटली. व्हाई? क्योंकि वहां पर समुद्र वहां से बहुत ज्यादा दूर होता है, लैंड सरफेस से समुद्र की दूरी बहुत ज्यादा होती है. आई होप आपको ये सारा वीडियो जो आज मैंने बनाया, इन हीट बजट क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है, ये बहुत अच्छा लगा होगा. अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. थैंक यू.